अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम, जैसा कि आपने देख लिया होगा, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5 बुक निकालें जी, AJK टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पेज नंबर 12 पे निकालें। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर का कोई भी ज़बान हो उसको सही बोलने और समझने पढ़ने के लिए ग्रामर के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, असूल और ज़वाबत होते हैं, कवायद होते हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारा लेसन इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर है, तो जो बच्चे देख रहे हैं वो थोड़ा सा नोट फरमा लें कि कोई भी चीज़ होती है उसकी बेसिक होती है, अरूफ तहजी होते हैं जिसे हम पट्टी कहते हैं। हर ज़बान की एक पट्टी है, अरूफ होते हैं, ठीक है। अरूफ अंग्रेज़ी के जो टोटल अरूफ हैं 26 हैं। कितने? हाँ जी, 26 हैं टोटल लैटिन हैं, जिनमें से कुछ सही अरफाज हैं, सही अरूफ हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, और कुछ जो हैं वावल हैं, और कुछ जो वावल्स हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट जो है अरूफ, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट, इनको कहते हैं सही अरूफ, सही अरूफ। सही अरूफ कौन से हैं? मैंने पहले आपको बात की, बताई है कि लेटर आर, लेटर्स अरूफ, अंग्रेजी के जो अरूफ हैं वो 26 हैं। अगर आप, अगर मेरे साथ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, उम्मीद है आपका जो लेवल है 5th क्लास में आप इनसे आशना होंगे। यहाँ रिव्यू कराने के लिए, यहाँ मैं थोड़ी सी आपको जो खास बात है वो बताने के लिए, इसलिए मैंने लेटर लिखे हैं। आप अगर काउंट करें तो काउंट करें कितने लेटर हैं। मैंने जैसे पहले बताया 26 लेटर। अगर फिर दोबारा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 26 है, बिल्कुल 26 है। अब जो इनमें जो खास बात मैं आपको बताने लगा हूं वो आपने बड़े ध्यान से सुननी है। इनमें जो लेटर हैं कॉन्सोनेंट लेटर हैं, सही सही अरूफ, वो कितने हैं? 21 है। 21 जो हैं वो सही अरूफ हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और बाकी बचे 5, ये जो 5 हैं वो वावल हैं, वावल्स, ठीक है, शाबाश। इनको कहते हैं अरूफ ए इल्लत, ठीक है, अरूफ ए इल्लत। बाकी बचे 5। बड़ी सिंपल सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि अंग्रेजी के टोटल लेटर जो हैं वो 26 हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात, कॉन्सोनेंट जो हैं और सही जो अरूफ हैं वो 21 हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी, इससे पहले भी आपको पता था। अरूफ इल्लत जिसे कहते हैं वावल्स, यानी कि ये 5 हैं, ये कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां ये जहन में रखें कि अरूफ इल्लत और अरूफ जो सही है इनको क्यों ऐसा कहते हैं। ये जो अरूफ सही है, जैसे सही से वाजे है कॉन्सोनेंट, इनकी आवाजें चेंज नहीं होती, ठीक है, इनकी आवाजें, इनकी रियल आवाजें हैं जहां ये लिखा जाए, ज्यादातर इनकी आवाजें चेंज नहीं होती, ठीक है।
वो ये जो हरूफ इल्लत हैं जिनकी जिनकी आवाज़ इनकी आवाज़ें चेंज हो जाती हैं, कॉन्सोनेंट से पहले आए बाद में आए ये जो आए इनकी आवाज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये जो हरूफ इल्लत है पहले हम ये शुरू करते हैं, ये लेटर ए ई आई ओ यू, एक दो तीन चार पांच, ये जो लेटर हैं ये कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये लेटर अरूफ इल्लत वावल्स है। ठीक है, और ये जो दूसरे अरूफ हैं बाकी बचे जिन पे मैंने सर्कल नहीं किया, ये सारे अरूफ कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यहां एक सिंपल सी बात है, जैसे आपने टॉपिक में पढ़ा होगा ग्रामर, आर्टिकल में आपको बता रहा हूं ए और एन, ए आर एन, इनको आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं इनका क्या कॉन्सोनेंट्स और वावल से क्या तल्लुक है इस आर्टिकल का। ये जो ए है, अगर लेटर कोई वर्ड शुरू हो, कोई वर्ड शुरू हो जिसका पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो तो वहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लेटर या ऐसे वर्ड, दोबारा, ऐसे वर्ड जो वावल से शुरू हो वहां हम ए लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कार, यानी कि गाड़ी, ये इसका जो पहला लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, हम लिखेंगे ए कार। ठीक है, ऐसा कोई लिखता हूं एप्पल, ए डबल पी एल ई, इसका जो पहला लेटर है वो वावल है, यहां लिखेंगे एन, एन एप्पल। ये जो आप, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आज हमने ग्रामर की इंतहाई बेसिक चीज पढ़ी है जो फिफ्थ क्लास में पहला स्टेप है। क्या पढ़े है ग्रामर का, अरूफ पढ़े, कॉन्सोनेंट अरूफ कौन से हैं, वावल्स कौन से हैं, और आगे एक और स्टेप पढ़ा है आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो देखते रहें, ऑनलाइन स्टडी पे फोकस करें। खुदा हाफिज़।